पेट खराब है तो क्या करें? और पेट जो है खराब किसने किया? हमने किया। कैसे हमने खराब किया? गलत चीजें खा करके, जो हमारे शरीर का भोजन नहीं है उस भोजन को हमने भर भर के खाया, और उसके कारण लीवर हमारा कमजोर हो गया, आंतें कमजोर हो गई, आंतें सूख गई, अंदर में तेजाब बनने लग गए। तेजाबी भोजन खाया ज़्यादा, जिससे तेजाब बनते हैं, तो उससे तेजाब बनने लग गए, खाना हजम होना बंद हो गया, तो पेट भारीपन होने लग गया, अंदर वो मल चिपक गया, आंतें ऐसे सूख गई तो मल निकल नहीं रहा, तो फिर अंदर में गैस एसिड बनते हैं, वो सिर को चढ़ते हैं, दिमाग को चढ़ते हैं, और फिर हम लोग बीमार पड़ते हैं, भूख लगनी बंद हो जाती है। जैसा आपको बताया अभी कि खाना पीना हर चीज़ का सुधार करेंगे तो पेट जो है अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है, सारी बीमारियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती। हमें खाने पीने का पता ही नहीं होता कि हमें क्या खाना है। जो भी परंपरागत हमारे घरों में भोजन चलता है, सवेरे उठते ही चाय चलती है, ब्रेड बिस्कुट चलते हैं, परौठे चलते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, हम सवेरे उठते ही दूध पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, मिठाइयाँ खा लेते हैं, ये चीज़ें अक्सर जो है हम अपने घरों में नाश्ते में करते हैं। ये चीज़ें हमारे शरीर का भोजन नहीं है, यही हमारी पाचन क्रिया को खराब करता है, आंतों को खराब करता है, लीवर को खराब करता है, और हम लोग इन चीज़ों को खाते रहते हैं। और जब अति हो जाती है, बिल्कुल ही हमारा शरीर काम नहीं करता, भूख लगनी बंद हो जाती है, ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ दे देते हैं, और दवाइयों से थोड़ा बहुत काम होता है, थोड़ा बहुत फायदा लगता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग जो भी कोई बीमारी आ जाती है उस बीमारी में फंस जाते हैं, और ज़िंदगी भर हमारी दवाइयाँ चलती हैं, उस दवाइयों के साथ साथ दूसरे रोग और आ जाते हैं, और हम लोग परेशान होते हैं। अब इसका समाधान क्या करें, कैसे ठीक करें? सबसे पहले जो भी हमारी गलत दिनचर्या है, हमारी बुराइयां हैं, सबसे पहले हमने उनको छोड़ना है, अपनी सारी बुराइयों को और गलतियों को छोड़ना है। जब तक जो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे, तब तक हम ठीक नहीं होंगे। और बुराइयां क्या है? जो बुराइयां हैं वही हमारे शरीर को रोगी करती हैं, मन को परेशान करती हैं, टेंशन पैदा करती हैं, भय पैदा करती हैं, अंदर में रोग पैदा करती हैं, चिंता पैदा करती हैं, हमारे अंदर हमारी आत्मिक शक्ति को कमज़ोर करती हैं, शारीरिक शक्ति को कमज़ोर करती हैं। लेकिन हर इंसान को इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बुराइयों को छोड़ता नहीं, और दवाइयाँ खानी शुरू कर देता है, टॉनिक खाने शुरू कर देता है, ताकत की चीज़ें खानी शुरू कर देता है, सोचता है इससे मुझे ताकत आएगी, लेकिन ताकत उसको फिर भी नहीं आती, शरीर उसका फिर भी ठीक नहीं। सो इसलिए खाने पीने की क्या बुराइयाँ हैं? चाय है, ये हमारा भोजन नहीं है, चीनी सफ़ेद हमारा भोजन नहीं, हमारा भोजन गन्ना है, गन्ने को खराब करके बिगाड़ के चीनी बनी, वो हमारा भोजन नहीं है। और चीनी से बनी हुई सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें जहर है, पॉइजन है। खाएंगे आप उसको, आपके अंदर जहर बढ़ेगी, आंतें आपकी खराब होंगी, लिवर खराब होगा, हृदय खराब होगा, मांसपेशियां कमज़ोर होगी, हड्डियां गड़ेंगी, आपके पाचन क्रिया कमज़ोर होगी, भूख नहीं लगेगी आपको, चमड़ी के रोग होंगे अंदर में, भिन्न भिन्न तरह की परेशानी आपके शरीर में आएंगी। चाय आपकी भूख को मार देती है, प्यास को मार देती है, जब भी आपको भूख प्यास कितनी भी लगी हो और आप जो है चाहे एक कप पी लो, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, प्यास खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से लीवर खराब होना शुरू हो जाएगा, आपका अंदर से गैस बनने लगेगी, तेजाब बनने लगेगी, क्योंकि चाय के अंदर में निकोटीन होती है,
फीन होती है, पशुओं के चमड़े का रंग होता है टैनिन एसिड, और उससे जो है वो चाय बनाते हैं और शुगर डाल देते हैं उसमें, और शुगर भी जो है सो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंगों को खराब करती हैं। अभी आप लोग यंग हो, नौजवान हो, लेकिन जो केमिकल है तेजाब है वो चाहे लोहा भी उसमें डालो लोहे को बिगड़ा देते हैं तेजाब, इतने खतरनाक होते हैं। हमारा शरीर तो हर मास चाम से बना हुआ है, इसके अंदर वो तेजाब जाएंगे तो शरीर तो गड़ेगा ही, खराब हो गए। इसलिए शरीर गड़ रहा है, घुटने हमारे खटर खत्म हो रहे हैं, घुटनों में गैप आ रहा, हड्डियाँ गड़ रही हैं, घुटने पतले पड़ रहे हैं, दांत खराब हो जाते हैं हमारे, लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है हमारी, इसी वजह कारण ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं। इसलिए अपनी बुराइयों को छोड़िए, चाय मिठाइयाँ सारी, ब्रेड बिस्कुट कुरकुरे चिप्स चाउमीन पिज्जे बर्गर नूडल आइसक्रीम मैगी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी पैकेटों में बंद भोजन है, बोतलों में बंद भोजन है जितना भी, और मांस मदरा अंडे शराब बीड़ियाँ सिगरेट तम्बाकू गुटखे जर्दे नशीले पदार्थ जितने भी हैं, ये सारे हमारे शरीर को तो खराब करते ही करते हैं, साथ में हमारी बुद्धि को भी खराब करते हैं। इनसे हमारी बुद्धि भी खराब होती है, और जब बुद्धि हमारी खराब हो जाती है फिर हम पाप कर्म होते हैं, फिर हमसे पाप कर्म होते हैं, और जब हमसे पाप कर्म होते हैं फिर हम दुखी होते हैं, और दुख इंसान को कुछ नहीं है। पहले गलत खाएगा, खाने के बाद फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर पाप कर्म करेगा, पाप कर्म करता है तो फिर दुखी होता है, तो सारा सिस्टम जो है जीवन का बिगड़ जाता है। ओके, ऐसा खाइए अन्न तैसा हो मन, ये हमारे आम कहावते हैं हमारी। इसलिए जो भोजन हम लोग खा रहे हैं ये सारा शैतानी भोजन है इसके अंदर में, और यही हमारी शरीर और बुद्धि का नाश करता है। इसको खाना आप बंद कर देंगे, प्राकृतिक आहार खाएंगे जो कुदरत ने दिया है, तो आपका मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा, कुदरत जैसा बनना शुरू हो जाएगा, प्रकृति जैसा ईश्वर जैसा बनना शुरू हो जाएगा, बुराइयां भी नहीं मन में आएंगी आपके, और शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और फिर आप पाप कर्म भी नहीं करेंगे, और शरीर के अंग में ताकत भी आने शुरू हो जाएगी, और शरीर आपका ठीक भी होना शुरू हो जाएगा, शरीर के सारे अंग काम करना शुरू कर देंगे, जो अभी काम नहीं करते कमजोर हो गए हैं धीरे धीरे करके वो काम करना शुरू कर देंगे। सो इस प्रकार से आपको बिना कोई दवाई के आपका रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो शुरुआत अब कैसे करनी है इन चीज़ों को, सबसे पहले तो जब हमारी पाचन क्रिया खराब है, पेट साफ नहीं होता, अंदर में चिपका हुआ है मल, जो ब्रेड बिस्कुट होते हैं कुरकुरे चिप्स होते हैं चीज़ें होते हैं ये अंदर चिपक जाती है, जाकर अंतों में सूखे अंत, सबसे पहले तो अंतों को धोना है, क्योंकि अंतें साफ होंगी, जो हम भोजन खाएंगे उसका रस बनेगा, रस को चूसेंगे आते चूस करके रस को अंतें जो है खून बनाएंगी रस बनाएंगी अंदर से, और तब जाके शरीर में के अंगों को ताकत मिलेगी, गंदगी अंदर गैस पैदा करेगा और आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए पहले सबसे पहले पेट को अपने को धो, पेट धोने के लिए साफ करने के लिए आपको बताया अमृता काढ़ा रात को सोते समय पीजिएगा, दिन के अंदर में बथुआ धनिया आता है बथुए धनिया का जूस बना करके पीजिए, दो चार टमाटर डाल के, मूली गाजर टमाटर खीरा खाइएगा जिसमें फाइबर होता है खूब और रस होते हैं, उससे भी पेट साफ होता है, नॉर्मल अगर कब्जी है तो उससे भी साफ हो जाता है, और फिर भी नहीं होता तो अनार का जूस बताया जाता है, छिलके सहित अनार का जूस पीजिएगा उससे पेट साफ हो जाता है, और फिर भी पेट साफ नहीं होता पानी की पट्टी लगाओ या फिर अन्नी में से पेट साफ करो। तो ये चार पांच कारण हैं, चार पांच तरीके हैं पेट को साफ करने के, इनमें से जिससे भी पेट साफ हो वो तरीका अपना करके अपने पेट को साफ करो पहले, खाना बाद में ही शुरू करें, जब ये पेट साफ हो जाए फिर आप कुछ दिनों तक सलाद प्लेट भर के खाएं नाश्ते में, सवेरे उठते ही नीम गुलर का काढ़ा पिएं, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करें, फिर थोड़ी सी धूप में बैठें, उसके बाद पानी की पट्टी लगाएं, धूप से हमारी पाचन क्रिया स्ट्रांग होती है, उसमें शक्ति है एनर्जी है, धूप के अंदर न्यूट्रिशन है और बॉडी को उसकी ज़रूरत है,
इसलिए डेली जो है न्यूट्रिशन सुबह सुबह का धूप से लेना, लेने के बाद फिर पानी की पट्टी लगानी है, वो गर्मी अंदर की निकालेगी। पानी की पट्टी लगाने से हमारी पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन परमात्मा ने फिट किए हैं वो सारे अंग पेट के अंदर के पानी की पट्टी लगाने से एक्टिव हो जाते हैं, उनकी गर्मी निकल जाती है, आंटे सूखी हुई आंटों की गर्मी निकल जाती है, उससे भी आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। जब हम लंबे समय तक गंदी चीज़ें खाते हैं फिर उसके ऊपर दवाइयाँ खाते हैं, उन सब चीज़ों से हमारे आंटों में गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने से हमारी 30-35 फुट लंबी आंत है, और जो पानी भोजन में थोड़ा बहुत होता है हमारे, वो पानी धीरे धीरे गर्मी से सूखता जाता है, सूखता जूखता सख्त हो जाती है, वो मल अंदर में गांठे बन जाती हैं, चिपक जाता है मल अंदर में, वो पास नहीं होता, अंदर सड़ता है, गैस पैदा करता है, सिर को गैस चढ़ती है, नसों नाड़ियों में गैस चढ़ती है, यहाँ तक कि हमारे हृदय में भी गैस चली जाती है, छाती में गैस चली जाती है, वो सारे फिर पेन करती है, दर्द करती है, चक्कर आता है, आलस आता है शरीर के अंदर में, काम करने को मन नहीं करता, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। सो इसलिए आंटों को साफ करना है, सूर्य की रोशनी रोज लेनी है, आधे से एक घंटा ले लीजिएगा, दो घंटे ले लीजिए, स्वास्थ्य धूप होनी चाहिए, जैसे अभी धूप आ रही है बहुत तेज हो गया, ये धूप में कभी भी ना बैठें, इसमें आपको नुकसान होगा। सो उसके बाद में फिर आपको सवेरे भूख लगे तब खाना है, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो ना खाएं, क्योंकि जब गैस ऐसे तेजाब बनते हैं या तो बंदे को ज़्यादा भूख का एहसास होता है, क्योंकि एसिड जो पेट में होते हैं वो पेट को अंदर से काटना शुरू कर देते हैं, पेट के अंगों को जब वो काटना शुरू कर देते हैं पेट के अंगों को, तो हमें लगता है हमें भूख लगी है, लेकिन भूख नहीं होती हमारे को, वो तेजाब के कारण हमें भूख का एहसास होता है। सो इसलिए अगर सही भूख लगे जब तब भोजन खाएं, अगर अभी तेजाब है, एसिड है, गैस बनती है, कईयों को भूखे रहने पर गैस बनती है, भूखे रहने पर गैस इसलिए बनती है कि आंतों में मल चिपका होता है, जमी हुई आंतों में गंदगी, और जब हम भूखे रहते हैं तो उस समय वो सफाई होनी शुरू हो जाती है आंतों की, जब आंतों की सफाई होनी शुरू होती है उसमें से गैस एसिड निकलते हैं, तेजाब बनते हैं। सो इसलिए भूखे रहने पर एसिड बनते हैं। अगर आप उन आंतों को धो लो, साफ कर लो, मूली और मूली के पत्ते का जूस बना के पियो, या ऐसे मूली खाओ खूब अच्छी तरह से, रफाज खाएं, फाइबर खाएं, अमरूद आता है अमरूद खाएं, अमरूद के बीज रगड़ रगड़ के आंतों को साफ कर देते हैं, अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे, अनार का जूस पियेंगे, मतलब वो सारी चिपकी हुई गंदगी अंदर से धुलेगी, वॉश होगी, साफ होगी, एक दिन दो दिन चार दिन गैस बनेगी आपको खाली पेट, उसके बाद सारी गैस आपकी खत्म हो जाएगी, जैसे ही अंत साफ हो जाएंगे। सो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी ज्ञानता का अंधेरा है हमारे अंदर में, गैस बनती है तो हमें कहा जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाते रहो, खाली पेट अगर गैस बने तो खाते रहो, हम लोग वो खाते रहते हैं, खाते खाते हमारी आंतें लीवर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और फिर और दवाइयाँ चलती रहती हैं, इसी प्रकार सारा जीवन भर हम दवाइयों के चुंगल में फंसे रहते हैं, जबकि छोटी सी बात होती है वो आंतें साफ कर लो, साफ करने सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं, लेकिन ना समझी सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है, इग्नोरेंस जो है, और इसीलिए जो है संसार सारा दुखी है।